ओके अच्छा, इसकी रेजोल्यूशन 40x45 है और इसकी रेजोल्यूशन भी सेम है। ठीक हो गया। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वैसे ये बिल्कुल ठीक डिजाइन बना है, कलर के लिहाज से भी और जो डिजाइन है वो भी ठीक बना है। तो वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये चीज आपकी कट के आ जाएगी, समझ में आ रहा है अब बात? पर सर, सबने ये मेजरमेंट थोड़ी रखवानी होती है। सर आप मान नहीं ना रही बात, यही तो आपका मसला है। जो मैं वैसे कह तो रहा इतने हूं, प्रिंट्स होते हैं, सबने बनाए होते हैं, फिर वो कैसे मैनेज होते हैं? जो मैं कह रहा हूं उस बात को फॉलो करो। कहने का मतलब ये है कि जो ये तरीकाकार है ना, ये ऐसे किसी स्टूडियो में नहीं चलता जो इस तरह से, मतलब है मेजरमेंट एक रखनी होती है, वो लाजमी रखनी होती है। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में मैंने शायद आपको बताया था कि यहाँ पे मेजरमेंट मैंने की हुई है ये वाले कुछ। ठीक है, इसको आपने माइंड में रख के बनाना है। ठीक है, जो अगर आपने, अगर फर्ज करें नेकलाइन की जगह छोड़ी भी है, तो इतनी ज्यादा नेकलाइन की जगह नहीं होती, ये तकरीबन विड्थ 10 है या तकरीबन 11 है, चलें कम से कम 10 लगा लें, ये 10 है। अगर विड्थ तो 10 तो नहीं होती ना, 10 नहीं है, ये देखें 6 इंचेस, मतलब के यहाँ सेंटर, ये सेंटर लाइन है। ठीक है, अच्छा ये जो ब्लू वाला एरिया है ना, जो विड्थ है ब्लू की, ये तकरीबन 3 है। ठीक है, ठीक एक एक नेक लाइन की जो विड्थ है वो तकरीबन दोनों ठीक मिला के 6 इंचेस बनती है। सो ठीक है, 6 इंचेस आपने यहाँ पे रखनी है, जैसे कि यहाँ पे जो विड्थ है वो हम यहाँ पे 6 रखेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे 18। ठीक है, तो ये अब मैं क्लिक करूंगा तो ये आपकी बनती है। ठीक है, ठीक इस है, मैं फिर हिसाब इसको एडजस्ट कर लूं। से जी हाँ, आपने इसको एडजस्ट करना है ना, अभी मैं बताता हूँ कि कैसे। ठीक ठीक है, आपने ये बॉर्डर छोटा कर लेना है, इस बॉर्डर को प्लेनली अच्छा मैं समझा दूँ डिटेल के साथ ना, ताकि ठीक है आपको आगे मुश्किल ना आए। तो इसको आपने तकरीबन इतना छोटा कर ले। अब ये सेंटर लाइन, ठीक है, ये अच्छा सेंटर लाइन है, ये इसको आपने ऐसे बना लें। ठीक है, अब जो ये बॉर्डर, अब आपको खुली स्पेस मिल गई है, जब बॉर्डर आपने नीचे की तरफ लगा दिया ना, एक मिनट सॉरी, तो ये आती है। ठीक है, अब आपको स्पेस मिल गई है, अब आपने क्या करना है कि जो ये चीज है जिसे मैं कर देता हूँ रेड्यूस, बल्कि ये कलर है। ठीक है, अब इसमें जो हमारी ये चीज है, कंट्रोल शिफ्ट दे, ठीक है, ये चीज अब आपकी, ये नेक लाइन की है, विथ ये सेंटर लाइन है, और जो है इस तरफ मैं आता हूँ, तो इसके ये नेक लाइन की जगह आपने छोड़ दी 3 विड्थ, और उसके बाद आपने तकरीबन 2 इंचेस का फासला रख सकती हैं, ज्यादा ना 7 जोड़ना है ना कम करना है, तो ये यहाँ से ऊपर को जाएगी। अब अच्छा आप इसको रख के बनाएंगी तो ये देखें, ये इसके अंदर आ रहा है अब। ठीक है, अभी भी ये थोड़ा सा बड़ा है, इसे हम इस तरह से छोटा करेंगे। अब जो आपका फ्लावर है वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये अब आप यहाँ पे रखेंगी ना तो थोड़ा सा सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस बार इस फ्लावर को भी आपने छोटा कर दें, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कह रहा, इसको आप ऐसे, तो जब ऐसे करेंगी ना तो यहाँ पे 2-3 रिपीट हो जाएंगे इस तरह से, और ये वाला एरिया कंटिन्यू हो जाएगा, ये ऊपर को कंटिन्यू हो जाएगा, और यहाँ पे आप और ज्यादा कंपोजिशन कर सकती हो इस तरह नहीं से तो आपका बन। कंपोजिशन नहीं, फिर वो, हाँ वो जो मैंने बैकग्राउंड यूज किया हुआ ना, पैटर्न टेक्सचर जो यूज किया, फिर वही होगा जाहिर है, फिर ज्यादा खिचमिच हो जाएगी।
ठीक है, ऐसे वही बिल्कुल वही रख डिजाइन लें, तो। वही हाँ रख लें, लेकिन मेजरमेंट आपने इस हिसाब से करनी है, नेकलाइन की इस हिसाब से आपने मेजरमेंट करनी है। सबसे जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आप ग्रिड लाइन लगा जी, लिया करें। जब ये ग्रिड लाइन लगी होगी तो आपको पता होगा कि ये इस तरह से, इस वो तो मैं मास्क करती को, रहती हूँ ग्रिड लाइन का यूज। ठीक है, इस मास्क को आपने एक बार सिलेक्शन लेना अच्छा है और यहाँ से आपने इसकी ये लाइन लगा देनी है, यानी कि अब आपको पता है कि इस लाइन से हमने बाहर नहीं जाना, जो वर्किंग करनी है हमने इसके अंदर करनी है, और जो अजाफी वर्किंग कंटिन्यू हो रही होगी उसे ठीक है, जस्ट आपने कंटिन्यू कर देना है। ओके, तो इस तरह से आपने ये ठीक डिजाइन करना है। बाकी इसके कलर्स बहुत है। अच्छे हैं और सेटिंग भी ठीक ठीक है। ठीक है, डन है जी, ठीक हो गया ना? जी, ठीक है ठीक है। बाकी हाँ जी इसकी ठीक, आपकी रेजोल्यूशन भी ठीक। ये प्रिंट साइज है, मतलब कि इतना बड़ा बड़ा ये डिजाइन प्रिंट होगा, तो जब आप छोटा करोगी तो फिर सही ठीक हो जाएगा। अभी छोटे में है। देखते हैं कितना आएगा, छोटे में ये आएगा तो इतना ठीक है। बाकी फ्लावर की नीटनेस ठीक है। हाँ जी, हो गया, ठीक है, करें आप इसको कंप्लीट। बिजी थी क्या आप? जी। नहीं, मैं मामा की तरफ रह